फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया हाउस के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे, जो कि इसका विड्थ है 25 फीट, लेंथ है फ्रेंड्स 30 फीट। तो 25x30 में हमने इस प्लान को डिजाइन किया है। 750 स्क्वायर फीट का यह प्लान है। विलेज और सिटी एरिया दोनों में भी आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे, इसका हम आपको फुल इंटीरियर के भी बारे में बताएंगे कि फ्रेंड्स इस पे जो हमने 2BH का प्लान बनाया तो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको कहीं से भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स, फ्रंट में विंडो का यूज किया गया है, लेफ्ट में विंडो का यूज नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, राइट साइड में इसमें विंडो का यूज किया गया है, तो इसमें आपको वेंटिलेशन का कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग इस टाइप का घर बनाते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और 2BH का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, तो आपका जो बजट होगा इसमें लगभग 10 से 12 लाख तक आएंगे, जिसमें कि आपका प्लास्टर तक फिनिशिंग हो सकता है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं, राइट साइड में हमने विंडो प्रोवाइड किया है। इसमें फ्रेंड्स जो हमने रेलिंग में यूज किया है, ब्रिक वर्क किया है और स्टेनलेस स्टील पाइप का यूज किया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने फ्रंट में स्टेयर प्लस रैंप का डिज़ाइन किया है, जिससे कि आप सिटिंग एरिया में बाइक और बाइसिकल को भी पार्क कर सकते हैं। सिटिंग एरिया में भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग का कोई भी गेस्ट आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वो बैठ सकते हैं। काफ़ी बढ़िया स्पेस है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सिटिंग स्पेस में हमने फ्रेंड्स एक विंडो का यूज किया है, प्लस हमने एक गेट का ये मेन गेट दिया है, जिससे कि आप घर के अंदर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं घर के अंदर मेन गेट के जरिए। तो जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं फ्रेंड्स, तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे हॉल एरिया में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हॉल का जो भी हमने डिज़ाइन किया है फ्रेंड्स, तो काफ़ी यहाँ पे बड़ा स्पेस आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 बेडरूम देखने को मिलेगा, जिसका गेट हमने घर के अंदर से ही दिया है, जो कि हॉल से कनेक्टेड है। ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट बेडरूम में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 2 विंडो दिया है, एक फ्रंट में और एक हमने लेफ्ट साइड में दिया है। तो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, आप देख सकते हैं। रूम में भी काफ़ी बढ़िया आपको स्पेस मिल रहा है। हम लोग फ्रेंड्स चलेंगे इस घर का किचन एरिया में, तो आप देखेंगे किचन में भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिलेगा। और इसमें भी हमने वेंटिलेशन के लिए भी एक विंडो का यूज किया है, तो ये आप देख सकते हैं किचन हो जाएगा। किचन का जो काउंटर बनाया फ्रेंड्स, हमने एल शेप में बनाया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह घर कैसा लगा वो आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और हम लोग चलेंगे सेकेंड बेडरूम में इस घर का, तो आप वहाँ पे भी देखेंगे फ्रेंड्स, आपको सेकेंड बेडरूम में भी काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिलेगा। और इसमें हमने एक विंडो दिया है, तो वेंटिलेशन का इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग चलेंगे इस घर का जो कॉमन टॉयलेट प्लस बाथरूम बनाया है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा कॉमन टॉयलेट प्लस बाथरूम, जो कि यहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल रहा है फ्रेंड्स। काफ़ी बढ़िया घर है। अगर आप लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग इस टाइप का घर बना सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 स्टेप में स्टेयर। स्टेयर का जो विड्थ है फ्रेंड्स 3 फीट है। इसमें जो हमने रेलिंग में यूज किया है, स्टेनलेस स्टील पाइप का यूज किया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, ताकि उनको एलिवेशन प्लस प्लानिंग का आइडिया मिल सके। और ये इस घर का हो जाएगा फ्रेंड्स रूफ एरिया। तो आज का यही प्लान था, 25x30 का 750 स्क्वायर फीट का यह प्लान है फ्रेंड्स। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।